कर्म करो, संग करो, संग करो, कर्म नहीं तो भूल मरो, तो मरो, तो मरो। शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय, शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय। विज्ञप्ति देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं इनकम टैक्स गोलंबर पे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सीटेट के अभ्यर्थी जो हैं यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में काला पट्टी बांध कर और हाथ में नीतीश कुमार का पुतला लेकर। सारे जो हैं बिना कपड़ों के बैठ चुके हैं, सब लगातार अपने नियुक्ति को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और क्या क्या बातें हो रही है। क्या आज इनकम टैक्स आ गए आप लोग धरना पे? हाँ आ ही गए, उतना दिन से धरना चल रहा है, वहाँ कोई सुन ही नहीं रहा। हम लोग सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, अनरा बहरा सरकार को सुनाई ना, जैसे सुन ले। तो कितना क्या लगता है, बात मानी जाएगी आप लोगों की? देखिए, हम लोग जब तक नहीं मानेंगे तब तक तो वापस नहीं जाएंगे। ऐसे भी मर रहे हैं, यहीं मर जाएंगे। नहीं मर जाएंगे, मर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए। देखिए, लगातार जो ये लोग मांग कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, ये लोग की नियुक्ति जो है होनी चाहिए। यहाँ पे और भी छात्र हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातें करेंगे। आप एक बार देख सकते हैं पूरा नज़ारा, किस तरह से जो है छात्र जो है लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे आ चुके बन चुके हैं। इनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार मेरा नाम हुआ सर। क्या हुआ जब लोग इनकम टैक्स पहुँच गए? कोई सर सुनवाई नहीं है हमारी तरफ, सरकार की तरफ से। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर जिस तरह से बैठे आ रहे हैं उसी तरह बैठे रहेंगे जब तक कि हम लोगों के पॉजिटिव न्यूज नहीं मिल जाता है सर। आप लोग 8 दिन से लगातार, 8वां दिन है लगातार धरना पे बैठे हुए, कहाँ कुछ बात आगे बढ़ी? बात क्या बढ़ेगी सर, वही पिछली बार की तरह हर बार गुमराह किया जाता है। हमें एक निश्चित डेट दिया जाए जिसमें नोटिफिकेशन का डेट हो कि हाँ इस डेट को आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है सर। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो क्या करिएगा? कंटिन्यू सर इसी तरह, इसी चौक चौराहे पर हम अपनी जान तक लगा देंगे सर। इसी तरह काली पट्टी बांध के पुतला फूकेंगे, जो भी हमारे नोटिफिकेशन के लिए करना होगा वो हम करते रहेंगे सर। करते रहेंगे, बिल्कुल सर। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी करना होगा ये करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है। क्या लगता है, सरकार बात मानेगी आप लोगों की? जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हमारी अनिश्चितकालीन धरना चलती रहेगी और सरकार को मानना पड़ेगा। हमारी जो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन है, अभी 3 साल से डिले में चल रही है और शिक्षा मंत्री जो है कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। हमारी यही आग्रह है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाती तब तक ये धरना चलती रहेगी, अनिश्चित काम चलती रहेगी। आखिर क्या परेशानी हो रही है नियुक्ति देने में? नियुक्ति में देने में क्या परेशानी होगी? वो चाहते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आए फिर हम नियुक्ति दें, फिर हम इसी तरह वोट बैंकिंग को बचा के रखें। यही समस्या है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए शिक्षा मंत्री नोटिफिकेशन में डिले कर रहे हैं। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो खेल है वो पूरा वोट बैंक का खेल है, वो अपना वोट बचा रहे हैं कि ताकि उस टाइम पे दें और इन्हें वोट मिले। यहाँ पे और भी छात्र हैं, उनसे भी जानेंगे कि पूरा मामला क्या क्या लगता है आप लोग का, होगा नियुक्ति या नहीं होगा? देखिए सर, अभी तक सर हम लोग को सिर्फ बड़बड़ाया जा रहा है, आश्वासन मिल रहा है और अभी तक कहीं से भी कोई संभावना नहीं लग रहा है सर, क्योंकि शिक्षा मंत्री सर इस पर सही रुख नहीं अपना रही है। ठीक है, जैसे कि सर हम लोग का पिछले 8 दिनों से सर लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक सर कुछ पॉजिटिव सर काम नहीं किया गया है सर। 8 दिन से आप लोग अपना घर वगैरह सारा चीज छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल सर, अभी तक हमारे सभी साथी का सर तबीयत भी खराब हो गया है सर, यहाँ अच्छा खाना पीना भी नहीं मिल रहा है, लेकिन सर हम लोग मजबूर है सर इसके लिए और हम लोग हर हाल में इस बार 7वें चरण विज्ञप्ति लेकर ही जाएंगे। इसके लिए या तो या करो या मरो वाली बात है, चाहे कुछ भी हो जाए 7वें चरण का आप लोग लेकर जाएंगे। बिल्कुल सर, इसके लिए सर हमको 8 मिनट अभी करना पड़े सर, हम करेंगे लेकिन इस बार विज्ञप्ति लेकर ही जाएंगे सर हर हाल में। तो देखिए, इनका साफ तौर पे देख सकते हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक नियुक्ति नहीं होगी ये लोग छोड़ेंगे नहीं। आप एक बार देख लें नज़ारा, देख लें किस तरह से जो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सीटेट के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 8 दिन से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, मगर कहीं ना कहीं सरकार इनकी बात मान नहीं रही है। लास्ट आज इन्होंने इनकम टैक्स पे आए, इनकम टैक्स पे आके लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले बार हवन भी किया था, मुंडन भी किया था, मगर सरकार जो है बात सुन नहीं रही है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक इन लोगों की नियुक्ति नहीं होगी ये धरना चलता रहेगा, अनिश्चितकाल तक चलता रहेगा। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।